आज से कुछ टाइम पहले की बात है, हम लोग जो है पीसी कम्युनिटी में कंपैरिजन किया करते थे कि आपको 8GB रैम सफिशिएंट है या आपको एक डिसेंट पीसी बिल्ड करने के लिए 16GB की रैम की रिक्वायरमेंट है। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर आप आज के टाइम पे पीसी बिल्ड करते हो तो आपको भी इतनी बेसिक नॉलेज होगी कि 8GB रैम एक अच्छे पीसी के लिए सफिशिएंट नहीं होती है। आपको यहाँ पर एटलीस्ट 16GB रैम की जरूरत पड़ती है एक डिसेंट गेमिंग पीसी और या थोड़ा बहुत वर्क स्टेशन जैसा पीसी बिल्ड करने के लिए। अब लेकिन हो सकता है आपके माइंड में भी ये कीड़ा काटा हो कि आपके जो मदरबोर्ड में चार रैम स्लॉट है ना, अगर हम चारों में रैम फिल कर देते हैं और अपने सिस्टम की रैम को 32GB पे अपग्रेड कर लेते हैं तो क्या हमें रियल बेनिफिट देखने को मिलेगा? क्या सच में 16GB और 32GB रैम के बीच बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है? और अगर होता है तो किन लोगों को अपग्रेड करना चाहिए? आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सब कंफ्यूजन के बारे में बात करेंगे। अगर आपके माइंड में भी ऐसा कंफ्यूजन हो ना तो हो सकता हो ये वीडियो आपके बहुत काम का हो। वेल, तो अगर आप भी इसी टॉपिक पे इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरा नाम अब्दुल राशिद और आप देख रहे हैं द इंडियन बजट गेमर। सो लेट्स बिगिन। बट बिफोर दैट, दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय कीज क्लब डॉट इन। अगर आप यहाँ पर चीप में विंडो 10 का लाइसेंस खरीदना चाहते हैं तो आप कीज क्लब डॉट इन को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको OEM की 750 रुपये में और रिटेल की 1350 रुपये में देखने को मिल जाती है। और वही अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं TIBG350 तो वहाँ पर आपको एडिशनल डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक और कूपन कोड दिया हुआ है, जाकर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगा HyperX का, जिन्होंने हमें यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए रैम भेजा। इस वीडियो में जो हम लोग रैम यूज करने वाले हैं वो आती है HyperX की तरफ से हाई परफॉर्मेंस रैम। इस रैम की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 2666 MHz की। हालांकि आप चाहो तो इस रैम को ओवरक्लॉक कर सकते हो, 3000 MHz तक ये रैम बहुत ही इजीली ओवरक्लॉक भी हो जाती है। हालांकि मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप कोई भी नया पीसी बिल्ड कर रहे हो, चाहे AMD बेस हो या इंटेल बेस हो, तो आप एटलीस्ट 3200 या थोड़ा पैसा स्पेंड कर सकते हो तो 3600 MHz की ही रैम लेना, क्योंकि जितने भी लेटेस्ट प्रोसेसर है ना वो फास्टर रैम को ज्यादा प्रीफर करते हैं और फास्टर रैम आपको बेटर परफॉर्मेंस भी ऑफर करती है। इस रैम के बारे में अगर मैं आपको और बताऊं तो यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ फ्लैशी देखने को नहीं मिलता, RGB लाइट भी देखने को नहीं मिलती है, बहुत ही प्लेन ये रैम आपको देखने को मिल जाती है। ये रैम उन लोगों के लिए परफेक्ट रहेगी जो लोग बहुत ज्यादा बजट में है और ज्यादा रैम के ऊपर स्पेंड नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते। ये रैम आपको लिटरली 2800 रुपए की मार्केट में इजिली मिल जाती है। नाउ यहाँ पर अपने कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं कि 16GB और 32GB रैम में कितना ज्यादा डिफरेंस होता है और आपको क्या 32GB रैम पे अपग्रेड करना चाहिए या आपको स्किप कर देना चाहिए। अब 16GB और 32GB रैम के बीच जो डिफरेंस है ना वो कई सारी चीजों पर भी डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे आपका हार्डवेयर क्या है, आपका प्रोसेसर क्या है, आपका यहाँ पर ग्राफिक्स कार्ड क्या है, इन सब चीजों से रैम के परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। लेकिन इस वीडियो को सिंपल रखने के लिए यहाँ पर हम लोग केवल दो चीजों के बारे में बात करेंगे। पहला होता है गेमिंग, दूसरा होता है प्रोडक्टिविटी, मतलब कि आप गेमिंग के अलावा दूसरे काम करते हो, जैसे कि रेंडरिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया या बहुत सारे CPU हैवी टास्क। अगर आप यहाँ पर अपने सिस्टम पे केवल गेमिंग करना चाहते हो और 1080p लेवल की गेमिंग करना चाहते हो और मॉडर्न गेम्स अपने पीसी पे खेलते हो ना, तो मैं आपको बता दूं आपके जो रैम का कंजम्पशन रहता है ना वो लगभग अराउंड 9GB के आसपास रहता है। तो 8GB रैम अगर आप यहाँ पर यूज करोगे तो आपको बॉटलनेक देखने को मिलेगा। तो गेमिंग के लिए यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना आज के टाइम पे वो 16GB है। इवन अगर आप 1440p पर भी गेमिंग करते हो तो मैक्सिमम रैम जो आपका यूज होगा ना वो लगभग 12 से 13GB के आसपास होगा। तो आप देख सकते हो 16GB रैम हमारे मॉडर्न गेम्स को इवन 1440p रेजोल्यूशन पर भी आराम से हैंडल कर सकता है। लेकिन दूसरे साइड पे यहाँ पर अगर आप 4K गेमिंग करना चाहते हो अपने पीसी पे ना, तब यहाँ पर आपको थोड़ी ज्यादा रैम की रिक्वायरमेंट हो जाती है, तब यहाँ पर आपको 32GB रैम यूज करना चाहिए। हालांकि आप 4K गेमिंग 16GB रैम पर भी इजिली कर सकते हो, लेकिन अगर आप 32GB रैम यूज करोगे ना तो वहां पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस भी देखने को मिल सकता है। वैसे अगर आपके पास 4K गेमिंग पीसी होगा ना तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पर 32 या 64GB रैम ही यूज कर रहे होगे। नाउ यहाँ पर अब एक चीज ये तो क्लियर हो जाती है, अगर आपकी प्रायोरिटी गेमिंग है तो 16GB रैम ना आपके लिए एक स्वीट स्पॉट हो सकती है। आप आगे बढ़ोगे आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस मिलेगा, लेकिन 16GB 99% लोग के लिए गेमिंग के लिए सफिशिएंट होती है। लेकिन व्हाट अबाउट प्रोडक्टिविटी? अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा रेंडरिंग वाला काम करते हो, CPU हैवी टास्क करते हो या दूसरे एप्लीकेशन यूज करते हो ना, तो क्या आपके लिए 16GB इनफ है या आपको 32GB पे अपग्रेड करना चाहिए? अब इसके बारे में बात करते हैं। अब प्रोडक्टिविटी टास्क तो यार इंटायरली डिपेंड करता है कि आप कौन सा एप्लीकेशन यूज कर रहे हो। लिटरली मार्केट में ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जो 120GB रैम भी इजीली कंज्यूम कर लेते हैं,
तो उस लिहाज से तो खैर आप जानते होंगे कि आपको कितनी रैम की ज़रूरत है। लेकिन स्टिल एक एवरेज बंदा जो इंटरनेट चलाता है, क्रोम चलाता है, 5-6 टैब्स खोलता है, थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग करता है और फोटोशॉप चलाता है, उसके लिए कितना सफिशियंट होगा आप इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप यहाँ पर अपने पीसी को बहुत नॉर्मली यूज़ करने वाले हो, क्रोम यूज़ करते हो, 4-5 टैब ओपन करते हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चलाते हो और ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, थोड़ा बहुत गेम वेम भी खेलते हो ना, तो आपके लिए 16GB मोर देन इनफ है। कैजुअल मल्टीटास्किंग के लिए 16GB बहुत होता है, आप इजीली यूज़ कर सकते हो। हालांकि अगर आप क्रोम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो और बहुत सारे टैब यूज़ करते हो ना, तो हो सकता हो 16GB आपको थोड़ा सा कम लगे, क्योंकि आप लोग जानते होंगे क्रोम ना बहुत ज़्यादा रैम कंज्यूम करता है। वही दूसरी तरफ अगर आप थोड़ा सा अपना लेवल अप करते हो, थोड़ा सा और हैवी CPU टास्क करने लगते हो ना, जैसे कि वीडियो एडिटिंग हो गया या फोटोशॉप हो गया, तब यहाँ पर आपकी रैम की रिक्वायरमेंट भी थोड़ी बढ़ जाती है। अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैं अपने पीसी पे खुद 4K वीडियो एडिटिंग करता हूँ और इंटेंस वीडियो एडिटिंग के टाइम पे जो मेरा रैम कंजम्पशन होता है ना, वो इजीली 20GB तक क्रॉस हो जाता है। तो अब यहाँ पर आप ये मान के चलो, अगर आप CPU इंटेंसिव टास्क करने वाले हो, जैसे कि वीडियो एडिटिंग या रेंडरिंग या आर्किटेक्ट वाला काम करना चाहते हो ना, तो मिनिमम यहाँ पर आपको 32GB रैम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इससे कम अगर आप कुछ भी लेते हो तो वो सॉफ्टवेयर आपका बॉटलनेक होगा और ज़रूर होगा। बाकी यहाँ पर आपके सॉफ्टवेयर्स पर भी डिपेंड करता है, कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे भी होते हैं जो और भी ज़्यादा रैम कंज्यूम करते हैं, तो कुछ भी यूज़ करने से पहले अगर आप स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के लिए PC बिल्ड कर रहे हैं ना, तो उसके बारे में इंटरनेट पर ज़रूर सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता हो वो आपके सिस्टम को बॉटलनेक भी कर सकता है। तो इन कंक्लूजन मैं आपको बताऊं, अगर आप यहाँ पर अपने PC पे गेमिंग करना चाहते हो 1080p 1440p थोड़ा सा अल्ट्रा सेटिंग पे, और यहाँ पर अपने PC पे थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो और ढेर सारी मल्टीटास्किंग करना चाहते हो, तो 16GB रैम आज भी 2021 में सफिशियंट है, आप इजीली उसके साथ रह सकते हो, आपको ज़्यादा रैम की रिक्वायरमेंट नहीं है। वही दूसरी तरफ अगर आप अपने PC को बहुत इंटेंसिवली यूज़ करने वाले हो या पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ करने वाले हो ना, तो अब यहाँ पर आपको 32GB रैम के साथ जाना चाहिए। नाउ आई होप आपके माइंड में जितने भी डाउट्स होंगे वो सब क्लियर हो गए होंगे। बाय द वे इस रैम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर आपको कुछ 3200 MHz की या 3600 MHz की रैम का भी लिंक देखने को मिल जाएगा। आप में से जो लोग लिंक चेक करने में इंटरेस्टेड है जाकर चेक भी कर सकते हैं। वेल तो दोस्तों, ये इस वीडियो में आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को बस जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं ऐसे डेली ऑसम कंटेंट। तब तक देखने के लिए थैंक यू।